हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानीज किचन। आज मैं आप लोगों को सब्जा सीड्स खाने के फ़ायदों के बारे में बताऊंगी। तुलसी के पौधे की भारत में हर घर में पूजा की जाती है। ये एक पूजनीय पौधा है। तुलसी कई गुणों से भरपूर है। कई बीमारियों की दवा इसमें छिपी है। तुलसी के बीज, तुलसी की पत्ती और तुलसी का पौधा, इन सभी को अलग अलग सेवन करने से कई सारी बीमारियों को ठीक करने में मदद मिलती है। सब्जा बीज तुलसी का एक प्रजाति का पौधा है, जिसे स्वीट बेसिल के नाम से भी जाना जाता है। सब्जा सीड्स का भी कई तरह की बीमारियों से बचाव में काम लिया जाता है। यह पोषक तत्वों से भरपूर होता है। सब्जा बीज में प्रोटीन, विटामिन, फाइबर, ओमेगा और फैटी एसिड भरपूर होता है। इसका सेवन करने से शरीर की गर्मी कम होती है। तो आइए जानते हैं सब्जा सीड्स खाने से होने वाले फायदों के बारे में। मोटापे से तंग आ चुके हैं तो सब्जा बीज का सेवन ज़रूर कर सकते हैं। इसका सेवन करने से पेट भरा रहता है और भूख कम लगती है। दरअसल इसमें फाइबर पाया जाता है, जो फैट बर्न करने में काफ़ी लाभकारी होता है। अगर आप गैस की समस्या से परेशान हो गए हैं तो ये आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। इसका सेवन करने से पेट में ठंडक पहुंचती है। एक कप दूध के साथ इसका सेवन किया जा सकता है। इससे पेट में जलन, अपच और एसिडिटी की समस्या नहीं होगी। डायबिटीज से ग्रसित मरीजों के लिए भी बेहतर ऑप्शन है। सब्जा सीड्स के इस्तेमाल से शुगर नियंत्रित रहती है। भीगे हुए सीड्स का आप दूध के साथ दिन में एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन और आयरन होता है, जो आपकी त्वचा को फ्रेश रखती है। इसे लगाने के लिए नारियल तेल में बीज का पाउडर मिला लें और उसे 15 मिनट तक चेहरे पर लगा रहने दें। सप्ताह में 2 बार ऐसा करें, आपका चेहरा खिल जाएगा। इसका सेवन करने से मूड अच्छा होता है। माइग्रेन, थकान, टेंशन, सिर दर्द में आराम मिलता है। इसमें प्रोटीन और आयरन भरपूर होता है। इसे खाने से बाल मजबूत और चमकदार होते हैं, साथ ही बालों की ग्रोथ भी बढ़ती है। सब्जा बीज का सेवन करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। सर्दी, जुखाम और खांसी से परेशान हैं तो इसका सेवन करने से जल्द आराम मिलता है। सब्जा बीज का सेवन करने से शरीर के अंदर मौजूद विषैले तत्वों को निकालने में बेहद मदद मिलती है, जिससे शरीर में हो रही छोटी मोटी तकलीफ या बीमारियाँ नहीं होती हैं। 1 ग्लास में 1 चम्मच शहद और सब्जा के बीज मिलाकर पीने से किडनी, वेजाइनल इन्फेक्शन और ब्लैडर ठीक हो जाता है। सब्जा के बीज में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन ए, विटामिन के, कार्बोहाइड्रेट, ओमेगा 3 सहित कई सारे मिनरल्स होते हैं। इसकी तासीर ठंडी होती है, इसलिए गर्मी में इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है। फालूदा बनाने में सब्जा का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। सब्जा के बीज एस्ट्रोजन के स्तर को कम करते हैं, पीरियड्स में ज़्यादा ब्लीडिंग की समस्या को रोक सकते हैं। साथ ही सब्जा के बीज डायूरेटिक भी हैं, जो कि यूटीआई में बेहद मददगार साबित हो सकते हैं। इसलिए महिलाओं के लिए इसका सेवन करना बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। सब्जा के बीज में घुलनशील फाइबर पैक्टिन होता है, जो कि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम कर सकता है। यह हमारे आंत में कोलेस्ट्रॉल के अवशोषण को रोकता है और इन्हें आंतों से चिपकने नहीं देता है, जिससे हाई कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद मिलती है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्प